पूरे हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है, जिसके बाद सरकार ने सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद होली को लेकर लोगों का उत्साह भी कम है, साथ ही साथ खरीदारी भी कम हो रही है, जिसका असर बाजारों पर पड़ रहा है। यमुनानगर के रादौर में होली पर्व को लेकर पश्चिमी यमुना नहर के पक्का घाट पर लोगों ने आटा, गुड़, हल्दी, जौ आदि से होली का पूजन किया, साथ ही पारंपरिक तरीके से जल के साथ होलिका की परिक्रमा भी लगाई। वहीं अगर बाजारों की बात करें तो होली के पर्व पर पहले जैसी रौनक बाजार में नजर नहीं आई। कोरोना महामारी और सरकार के सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर लगाई गई रोक का असर पूरी तरह से बाजारों में देखने को मिल रहा है। बाजारों में रौनक नहीं है, जिससे दुकानदार मायूस हैं। होली का त्यौहार तो है, लेकिन बाजार में तो होली का कोई रुझान लग नहीं रहा। कहीं से भी कोई खरीदारी वाले भी इतने कस्टमर नहीं हैं। कुछ सरकार की नीतियों के हिसाब से कस्टमर थोड़ा सामान कम खरीद रहे हैं। कुछ ये रहा है कि कोविड की वजह से कि होली को इतने सार्वजनिक रूप से ना मनाएं, शायद इसी कारण से लोग कम खरीद रहे हैं बाजार में। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ही थोड़ा थोड़ा गुलाल हल्का सा, कोई हर प्रकार का मतलब इतना नहीं होता। जैसे एक त्यौहार के लिए उत्साह होता था कि होली आ गई है, चलो बाजार में जाएँ, कुछ सामान खरीद के लाएँ, उस तरीके का उत्साह नहीं है बाजारों में। और कस्टमर भी बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ही सिर्फ एक त्यौहार मनाने के लिए ही इतना सामान ले रहा है। गाइडलाइंस आई एक दो दिन पहले कि सार्वजनिक रूप से होली नहीं मनानी है, तो ये गाइडलाइंस मेरे अपने हिसाब से तो कुछ दिन पहले आना चाहिए, ताकि दुकानदार अपने हिसाब से सामान खरीदें। अब दुकानदार को तो सारा सामान खरीदना पड़ेगा ना, स्टॉक रखना पड़ेगा, तो अब सारा सामान उस हिसाब से बचा पड़ा है। बता दें एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने हरियाणा में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद लोग होली को लेकर कम उत्साहित दिख रहे हैं, साथ ही कम खरीदारी भी कर रहे हैं। राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज़, यमुनानगर।